नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस वक्त एक ब्रेकिंग ले रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंसा मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है इस मामले में। छात्र नेता और विवेकानंद पाठक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मारपीट करने वाले गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए तस्वीरें कल किस तरह से सामने आई थी, जब यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल हिंसा हुई। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अपडेट, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है अब इस मामले में। देखिए कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो बवाल की घटना सामने आई थी, उसके बाद लगातार छात्रों की तरफ से इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि जो भी गार्ड, जिन लोगों ने मारपीट की, जिनके ऊपर फायरिंग का आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया था, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तो कल देर रात जो छात्र नेता विवेकानंद पाठक है, जो घायल भी हुए थे, उनकी तरफ से पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इसमें 3 गार्ड नामजद किए गए हैं और बाकी कुछ अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और उसके बाद देर रात तक जो आंदोलित छात्र थे, उनसे पुलिस आयुक्त की बातचीत भी होती थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद रहे और उसके बाद बातचीत के आधार पर मामले को पूरी तरह से शांत कराया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि गार्ड की तरफ, गार्ड जो भी गार्ड विश्वविद्यालय के गेट पर या अंदर मौजूद थे, उनकी तरफ से कोई भी गोली नहीं चलाई गई है। ये आरोप छात्रों की तरफ से जो लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। तो फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच का दावा कर रही है और ये कह रही है कि विश्वविद्यालय कैंपस के आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जाएगा और उसके आधार पर ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि विवेकानंद पाठक की तहरीर के आधार पर 3 नामजद गार्ड और अन्य खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बिल्कुल, कल जिस तरह से यहाँ पर बवाल मचा है, अब अभी फिलहाल क्या माहौल है यहाँ पर, किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि ये भी खबर मिली है कि यूनिवर्सिटी बंद है आज भी। देखिए निश्चित तौर पर कल जब आगजनी और बवाल की तस्वीरें सामने आई, तो उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी कैंपस के भीतर बैठक की गई और उसके बाद प्रशासनिक तौर पर इस बात की काफी घोषणा की गई कि आज एक दिन के लिए विश्वविद्यालय पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। वहां पर किसी भी छात्र को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी बात जो आपने कही कि सिक्योरिटी के लिहाज से विश्वविद्यालय प्रशासन को भी पूरी तरह से वहां पर जो पुलिस है उसकी गश्त कल देर रात तक देखने को मिली है लगातार, क्योंकि छात्र भी वहां पर मौजूद थे, लिहाजा पुलिस प्रशासन के लोग भी लगातार वहां पर गश्त करते रहे। सिक्योरिटी के लिहाज से विश्वविद्यालय प्रशासन के आसपास सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त की गई है। छात्रों से ये भी कहा गया है कि वो बेवजह विश्वविद्यालय की गेट पर इकट्ठा ना हो। हालांकि आपको याद होगा कि ये पिछले कई महीनों से जो छात्र है वो वहां पर फीस वृद्धि के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन वहां पर लगातार देखने को मिल रहा था। और कल भी इस तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि विवेकानंद पाठक कैंपस के भीतर जो एक बैंक बना हुआ है उसमें जाने के लिए गेट प्रवेश कर रहे थे, लेकिन गार्ड से की तरफ से उनको रोका गया, जिसके बाद काफी नोकझोंक भी हुई और उसके बाद घटना ने बड़ा स्वरूप ले लिया। फिलहाल अच्छी बात ये रही कि तात्कालिक तौर पर जो पुलिस और प्रशासन के लोग थे वो मौके पर पहुंचे और तोड़फोड़ की जो घटना एक बड़ा स्वरूप ले सकती थी उसको शिथिल करने की कोशिश की गई, उसको नियंत्रित करने की पूरी तरह से कोशिश की गई। और देर रात विवेकानंद पाठक की तहरीर पर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है, जिसको लेकर छात्र आंदोलित भी थे। उनका कहना था कि जिस तरह का बर्ताव गार्ड की तरफ किया गया है वो ठीक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब चूंकि मुकदमा पंजीकृत हो गया है विश्वविद्यालय को एक दिन के लिए, बिल्कुल अब एफआईआर फाइनली इस मामले में दर्ज हो गई है विवेकानंद पाठक की तहरीर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।